पंजाब के कई नौजवानों के अजिहा ट्रेंड है कि बाहर नूं जाइए, पर कई अजिहे ने जिला मानसा शहर सदूलगढ़ सदूलेवाला दे विच मौजूद आ। काफ़ी लंबे सिर तो समय तो भी इस तरह पनीरी लाते आने हैं, उनकी बहुत वधिया ने, तो इस तरह बस शुरू पुराने बजुर्गों तो चलता तो रहा पंजाब नरोआ भी है। ये फक बीजी जाती है पनीरी गंढियां की, तुहानू मैं एक बार तस्वीर साझी कर देवां, तां इत्थे पट्टी जा रहे ने, एक बार मैं इधर दिखा देवां कि आ तस्वीर है, तो जिहड़े बई लैन आए हुए ने वो अपनी पट रहे ने, बाकी लेबर भी है बई दी हिम्मत सिंह दी। दो तीन महीने पहला पहली वेली रख के रूड़ी वगैरह पाई जाती है, फिर खादा वगैरह पा के दसवें महीने की 10-12 तरीक तो शुरू कर देने हैं, उस तो बाद ये 2-2.5 महीने के विच हो जाती है। खास भी आता है ज़्यादातर आप देखते हैं कि सदूले वाला ज़्यादा ये हब है, भी इतने ये ट्रेंड चलिया हो सब तो पहला आप देखते हैं ना, ये पुराना बजुर्गों तो चल जाता पंजाब नरोआ, नरोआ पंजाब का खुद असं आप भी तैयार करते हैं, आप भी तैयार करके उसी खिलाने हैं, वो इस तरह मिलते हैं जी, इस करके ज़्यादा मशहूर है भी आम तौर पर आपका भी तैयार कराया नहीं किसी पिंड चो भी मिलता है, सरदूले वाले चो ये खासियत है। किन्ने लोग ले जाते हैं दिन के विच? दिन के काफ़ी ले जाते जी, मतलब 100-200 बंदा होंगे जी, इतने बैठा सत्त पूरी नहीं आ रही होंगी जी। अच्छा, हाँ जी, पटाई की नहीं पूरी आ रही होंगी, इस तरह होंगे जी, मेहनत करनी पैनी है, भावें बार बाग जो उत्थे भी करनी पेगी इतने भी करनी पू, जो इतने मेहनत कर रहा वो अज भी इतने ऐश कर रहा, जो मतलब इतने मेहनत नहीं कर रहा वो अज इतने भी मतलब थोड़ा समझ रहा, तो नहीं बाहरले देश भी काम करना पैना, इतने भी काम करो, आपकी ड्यूटी समझ के काम करो जी। औजार टीवी दे फेसबुक अते यूट्यूब पेज दे नाल जुड़े हुए हो, मैं तुहाडे नाल जगसीर सिंह, कहिंदे कि किरत करके काम करना चाहिए, रोटी खानी चाहिए है, तो पंजाब वर्गी कोई रीस नहीं हैगी, पर पंजाब के कई नौजवानों के अजिहा ट्रेंड है कि बाहर नूं जाइए, पर कई अजिहे ने जिला मानसा शहर सदूलगढ़ सदूलेवाला दे विच मौजूद आ, जिथे कि एक किरती परिवार के नाल मिलान जा रहा हिम्मत सिंह साढ़े नाल ने, जिन्हां ने एक शुरुआत की है बड़े लंबे समय तो फक बीजी जाती है पनीरी गंढियां की, तुहानू मैं एक बार तस्वीर साझी कर देवां, तां इत्थे पट्टी जा रहे ने, एक बार मैं इधर दिखा देवां कि आ तस्वीर है, तो जिहड़े बई लैन आए हुए ने वो अपनी पट रहे ने, बाकी लेबर भी है बई दी हिम्मत सिंह दी। बई जी सत श्री अकाल, ठीक ठाक? सत श्री अकाल बई जी। बई जी इस बारे थोड़ा जानना चाहवांगे, ये सदूले वाला दे विच काफ़ी लंबे समय तो ये बीजी जा रही है, इस बारे थोड़ा दसो किवें तुसीं लाने हो, किवें सारी चीज़ां नूं? ये काफ़ी लंबे सिर तो समय तो भी इस तरह पनीर लाते आने हैं, उनकी बहुत वधिया ने, तो इस तरह बस शुरू पुराने बजुर्गों तो चलता तो रहा पंजाब नरोआ भी है ये, तो बहुत वधिया कम चल रहा जी। ये किवें तुसी लाने हो, बी केड़ा लाने हो, की कुछ इहदे च वरता जांदा, क्योंकि आम तौर पर जो ये पनीरी इन फक नूं कह दिंदे आ तां जो कोई लैके जांदा फिर घर बीजदा है, उस तो बाद फिर गंढे तैयार हो जांदे ने, किवें इहनूं तुसी अपना तैयार करदे हो सारा? इस तरह भीरे 2-3 महीने पहला पहली वेली रख के रूड़ी वगैरह पाई जाती है, फिर खादा वगैरह पा के दसवें महीने की 10-12 तरीक तो शुरू कर देने हैं, उस तो बाद 2-2.5 महीने के विच हो जाती है, तो उस तो बाद 12वें महीने की मतलब 5-4 तरीक तो शुरू कर देने पटाई की, महीना 1.5 महीने के विच लग जाती है। भाई कोई खास भी आता है? ज़्यादातर आप देखते हैं कि सदूले वाला ज़्यादा ये हब है, भी इतने ये ट्रेंड चलिया हो सब तो पहला आप देखते हैं ना, कोई खास भी होंगे तो कोई खास कला है तुहाडे हाथ च जे इत्थों ही लोग लैके जांदे ने दूर दूर तो, हुण भी देख रहे सीगे बड़ी दूर तो आंदे लोग? ये पुराना बजुर्गों तो चल जाता पंजाब नरोआ, नरोआ पंजाब का खुद असं आप भी तैयार करते हैं, आप भी तैयार करके उसी खिलाने हैं, वो इस तरह बेचते हैं जी, इस करके ज़्यादा मशहूर है भी आम तौर पर आपका भी तैयार कराया नहीं किसी पिंड चो भी मिलता है, सरदूले वाले चो ये खासियत है जी। ये मतलब तुसीं आप ही तैयार करते हो, ये पुराने बजुर्गों का चलता आ रहा, तुहाडा जिहड़ा फार्म है जिथे कर रहे हो ये फार्म का नाम क्या, अगर जो कोई लैन आते हैं वो फिर लंघते टपते लै जाते जां फिर पक्के भी गाहक लगे हुए हैं तुहाडे भी आए साल आके लैके जाते? नहीं, आए साल पक्के गाहक लगे हुए ने, वो आउंदे ने हर साल, वधदे रहिंदे ने गाहक जी, ते सिख संधु दे नां ते चल रिहा साडा फार्म जी। अच्छा, हाँ जी, ते जो सरदूले वालों आईए असीं सदूगढ़ साइड आईए तो उसके खब्बे हत्थ है जी। अच्छा अच्छा, बई आम तौर पर देखते हैं कि बाहर का बड़ा ट्रेंड होंगे, लोग चाहते हैं कि असीं बाहर नूं जाइए, बाहर जाके काम सैट करिए, तुसीं तां इत्थे वधिया इस ते काम सैट करी बैठे हो, किन्नी क कमाई हो जाती है लगभग इस? कमाई इस तरह जी, वो तो रेट पर डिपेंड है जी, जिवें हुण पिछले 2 साल रेट नहीं रहा तो बहुत घट कमाई हुई, बीज उगरे भी मतलब बहुत घट कमाई हुई, हुण इस तरह जिवें रेट जाए गन्ने का ज़्यादा आ गया तो यह आ गया वधिया चंगे पैसे बन जाते। हाँ जी जी, मतलब वधिया बन जाते, पर यह
प्रोसैस जिवें तुसीं दस्सिया कि इस तरीके नाल चलदा है, अगर जे कोई होर करना चाहुंदा है वह किवें सीख सकदा तुहाडे तों कि किवें इहनूं बीजे, किवें इहदी इक देखभाल हुंदी है? वड्डी गल वीरे मार्केटिंग दी आउंदी है, इत्थे पुरानी बजुर्गां दी मार्केटिंग बनी हुई है, उहदी कोई दिक्कत नहीं आउंदी, कि जे कोई दूर नेड़े ला लूगा वह वेचण दी बड़ी समस्या आउंदी है जी। हल इस तरह होंदा वी इत्थे पुरानी बजुर्गां दी बनी हुई मार्केट है, उसे तरह चलदा तुरिया आउंदा जी। किन्ने क फिर तुहाडा इह चलदा है, लोक किन्ने क लै जांदे ने? अगर हुण तां तुसीं शुरुआत कीती, अज्ज पहला दिन ही है ना, किन्ने क लोक लै जांदे ने दिन दे विच? दिन दे विच काफ़ी लै जांदे जी, मतलब 100-200 बंदा हुंदा जी इत्थे बैठा, सत्थ पूरी नहीं आ रही हुंदी जी। अच्छा, हाँ जी, पटाई दी नहीं पूरी आ रही हुंदी, इस तरह हुंदा जी। हाँ जी, मतलब लोक फिर आपदे आप ही पट्टन लग जांदे वी जिन्हां नूं आपदी आप पट्ट के भी लै जांदे आ, दोन्ने चीज़ां रखियां हुंदियां सी, तुलमी भी रखी हुंदी है, रेट जे आप पट्ट के लैणा आप पट्ट के जा सकदा जी। अच्छा, तुसीं दूर भी भेजदे हो कितें, अगर जे कोई मंगांदा है जिवें बठिंडे वाली साइड मंगा ले, कोई होर अगे मोगा वाली साइड मंगा ले, ਐਵੇਂ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪੌਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜੀ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 100 ਘਰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਪੌਦ ਜੀ, ਸਰਦੂਲਿਆਂ 'ਚ 100 ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦ ਲਾਉਂਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਟਰੈਂਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੌਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਤੱਕ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਲਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਇਹ 'ਚ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੌਦ ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਦੋਨੇ ਪੌਦਾ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੌਦ ਅਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪੌਦ, ਜੋ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦ ਪਨੀਰੀ ਫੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਡਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਕੈਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ।